यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जेईई का क्या है। देखिए, और ये सारे क्वेश्चंस का एक ही पर्पज है, क्वेश्चंस आप देखें तो हर पेपर में सिमिलर हैं। ऐसे ही पेपर आपको अप्रैल में मिलने वाला है। अगर आपने अभी से अपने आप को मेंटली फाउंडेशन वाइज स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप बहुत अच्छा अगेन स्कोर कर सकते हैं। देखिए क्या है, इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर पासिस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर पासिस थ्रू द ओरिजिन ओ एंड इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, देन द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन ए बी। लोकस जब भी वर्ड आता है हमेशा कंफ्यूजन होता है, जबकि मैं बोलूंगा लोकस के क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन को रीड करके अंडरस्टैंड कर पाए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। देखिए क्या क्वेश्चन है, समझिएगा। एक सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस को ए पर, वाई एक्सिस को बी पर कट कर रहा है, लाइक दिस, राइट। अब यहां पर आपको ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये डाला, देखिए बोला है एक्सिस ए एंड बी, देन द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन OAB। मान लीजिए ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एच के, जिसका आपको लोकस निकालना है, राइट। अब आपको इस लाइन का सपोज अगर लोकस निकालना है तो क्या होगा, तो सबसे पहले मैं बोलूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन AB क्या होगी, तो आप बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, AB क्या होगी, y माइनस के इक्वल टू, अब क्योंकि ये इसमें परपेंडिकुलर है तो अगर मैं बोलूं इसका स्लोप क्या, तो आप बोलेंगे k बाय h, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस एच बाय के, एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस एच बाय के इंटू एक्स माइनस एच, या ऐसा भी बोल सकते हैं के वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू माइनस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर, या फाइनली एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब एक चीज समझिए कि सिंपल अगर लॉजिक से समझे हम, सिंपल लॉजिक से समझें तो हम इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बना सकते हैं, एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस, जिससे कि मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो अगर मैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस देखूं तो होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय एच कॉमा जीरो। अगर इस बात इसकी बात की जाए तो आप बोलेंगे जीरो कॉमा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय के, राइट। अब एक चीज समझिए कि आपको यहां पर एक चीज और गिवन थी, क्योंकि जो जो चीजें गिवन होती है उनसे ही क्वेश्चन बनता है। इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, इस सर्कल का रेडियस आर है, और देखिए ये आपको पहले से पता है राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल में इसकी डायमीटर होगी, तो इसका मतलब ये लेंथ पूरी कितनी है, ए बी इक्वल टू क्या है, टू आर है, तो इसका मतलब ए बी स्क्वायर कितना होगा, ए बी स्क्वायर होगा फोर आर स्क्वायर। अगर ध्यान दे तो फोर आर स्क्वायर इन दो ऑप्शन में, यानी ये दो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, और ए बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो आप ऐसा लिखते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू फोर आर स्क्वायर। तो आप बाद में एच के का लोकस निकालते तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और हो जाता। अच्छा, यहां पर एच स्क्वायर के स्क्वायर है, यहां पर भी एच स्क्वायर के स्क्वायर है, ये इसके साथ एलसीएम लेके ऐड करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू फोर आर स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर। एच के को एक्स वाई लिख दीजिए तो होल क्यूब वाला फॉर्मूला करेक्ट होगा, देन दिस इज द राइट आंसर, राइट। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा था, कई बार लोकस देख के लगता है डर, पर लोकस से डरना नहीं है, कंसेप्ट बना के करना है कि एक सर्कल है, इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है एंड इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, देन द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन ए बी। तो मैंने इसको एच के मान लिया, सेंटर पर नहीं लिया, कहीं पर भी आ सकता है वो, और इस लाइन की इक्वेशन निकाली ए बी की, ए बी की इक्वेशन निकाल के इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया मैंने। देखिए कितना स्ट्रेट लाइन का बेसिक कंसेप्ट बेस्ड है, इंटरसेप्ट निकाले। अब ए बी की लेंथ जो है वो टू रेडियस के इक्वल होगी, डायमीटर के इक्वल, बस उससे जैसे ही कंपेयर किया आपको आंसर मैच कर गया, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए पैराबोला का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है समझते हैं, और मैंने जो आपको फाउंडेशन में बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट बताया था उसी से करिएगा क्वेश्चन, जब भी आप ये सही कर पाएंगे। अगर आपने वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स से किया तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए, मैंने हमेशा आपको जब पैराबोला पढ़ाया था तो बताया भी था कि इस कंसेप्ट से कभी भी क्वेश्चन करोगे तो मिस्टेक के चांस बहुत हैं, अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड नहीं है तो वो बात ध्यान रखना। और एक और चीज़ याद रखिए, जो मैं आपको अब टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बिल्कुल सिमिलर इसी तरह के पेपर्स हैं, इनको आपने अच्छे से सॉल्व किया तो डेफिनेटली अप्रैल में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, द टेंजेंट टू द कर्व वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव पैरेलल टू द लाइन टू वाई इक्वल टू फोर एक्स प्लस एक्स। बेसिकली अगर हम देखें तो लाइन कुछ इस तरह की टू एक्स प्लस वन बाय टू, अब इसके पैरेलल लाइन मतलब हो गई y इक्वल टू टू एक्स प्लस लेमडा,
यस और नो। अब आप एक चीज बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि कोई भी कर्व की टेंजेंट जो होगी, ये कि जनरल कंसेप्ट है, ये तो पैराबोला है, पर जनरल कंसेप्ट है कि टेंजेंट अगर है तो y की वैल्यू इसमें पुट कर दो या x की। मान लो आपने y की पुट की होती तो 2x plus lambda equal to x square minus 5x plus 5 या x square minus of 7x plus 5 minus lambda equal to 0। इसका जो डिस्क्रिमेंट है अगर कंडीशन ऑफ टेंजेंट है तो वो हमेशा 0 होगा। ये बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, कभी भी नहीं उलझोगे। यानी 49 इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू 5 माइनस लेमडा लॉजिकली, राइट? 4 इंटू ए इंटू सी, तो 49 इक्वल टू 20 इक्वल टू 20 माइनस ऑफ 4 लेमडा। इसका मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हैं 4 लेमडा इक्वल टू माइनस 29, यानी लेमडा इक्वल टू माइनस 29 बाय 4। एक तरह से इक्वेशन ये आ गई आपकी y इक्वल टू 2x माइनस 29 बाय 4 या 4y इक्वल टू 8x माइनस 29 ऑल्सो पासिंग थ्रू बोला है, तो आप पॉइंट सेटिस्फाई करवा लीजिए। सपोज आपने ऑप्शन ए करवाया तो ऑप्शन ए में 1 बाय 4 रखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ए मत रखिए आप। आप एक काम करिए, अगर ऑप्शन आपने रखा सपोज कोई भी रख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने रखा सी रखा तो क्या आएगा, देखिए C की जगह बल्कि D रख लीजिए। D में ज़्यादा चांस दिख रहे हैं क्योंकि देखिए 8 इंटू 1 बाई 8 आपने किया तो ये होगा कैंसिल, 1 माइनस 29 मतलब माइनस 28, और माइनस 7 रख दोगे तो माइनस 28। दिस इज द राइट आंसर, राइट? यानी क्वेश्चन कितना सिंपल था समझिए। और इसमें हमेशा मिस्टेक ही होती है, आपने ये पढ़ा हुआ होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और y इक्वल टू mx प्लस c टच करें तो इसमें खैर कंडीशन अलग आती है, पर इन कंडीशन से मिस्टेक्स के चांस बहुत होते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं आप कंसेप्चुअल करोगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आ रहा है आएगा, उसके राइट होने के लिए आपको हर चीज क्लियर होना चाहिए। तो याद रखिए आपने पहले कंडीशन ऑफ पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली, टेंजेंट को पुट किया, क्वाड्रेटिक बना जिसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी जीरो, उससे लैम्डा निकला, इक्वेशन आ गई, ऑप्शन पुट कर दिया, ऑल्सो पासिंग थ्रू बोला, जो सेटिस्फाई करे वो करेक्ट आंसर होगा, तो आपको देखिए आंसर मिल गया, राइट? नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y विच मेक एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। खैर ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है। अब देखिए अगर स्टैंडर्ड आ जाए तो कोई प्राई नहीं स्टैंडर्ड करने की। इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y इक्वल टू mx प्लस c और कंडीशन होती है c इक्वल टू माइनस am स्क्वायर। अगर आप ध्यान दें तो a कितना है 2, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गई y इक्वल टू mx, राइट? mx माइनस ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस ऑफ 2 एम स्क्वायर, राइट? और m का मतलब हमेशा याद रखिए क्या होता है, m होता है tan थीटा, यानी स्लोप को बता रहा है। तो y इक्वल टू x, क्योंकि उस फॉर्म में आंसर दिया x tan थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए अगर इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपसे मैं बोलूं कि tan थीटा का डिवाइड कर दो, तो आपने अगर tan थीटा का डिवाइड किया तो देखिए क्या होगा, वाई cot थीटा इक्वल टू x माइनस 2 tan थीटा, यानी ऐसा भी बोल सकते हैं x इक्वल टू y cot थीटा प्लस 2 tan थीटा, x इक्वल टू y cot थीटा प्लस 2 tan थीटा। बिल्कुल सिंपल स्टैंडर्ड क्वेश्चन तक आए हुए हैं, अगर कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो क्वेश्चन आपको बनना ही है, नोट करिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते देखिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है। इफ NC4 NC5 NC6 आर इन AP देन द वैल्यू ऑफ n। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2 टाइम्स ऑफ NC5 इक्वल टू NC4 प्लस NC6। स्टेप चाहे तो वैल्यू रख दो चाहे तो मेथड से सॉल्व करो, अभी ये स्टेप मत लिखना आप, n फैक्टोरियल सभी का कैंसिल होगा। देखिए n माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल 5 इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 n माइनस 4 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 6, राइट? अब आपको पता है ऊपर से n कैंसिल, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो कैंसिल होने वाला है, यहाँ पर n माइनस 5 निकालिए तो 2 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल 5 को लिखिए कितना, यहाँ पर 4 लिखना था, यहाँ पर लिखिए 5 इंटू फैक्टोरियल 4, देखिए n माइनस 5 लिया तो n माइनस 6, राइट? अब यहाँ पर सिमिलरली क्या करेंगे, फैक्टोरियल n कैंसिल हो चुका है 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, n माइनस 4 n माइनस 5 निकालिए तो n माइनस 6 जो कैंसिल होगा प्लस 1 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 n माइनस 6। अब देखिए ये सब का कॉमन पार्ट है जो कि आप
डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे, फिर आप एन की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। राइट, नोट कर लीजिए।